अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2014 फेज वन का. टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल. इफ लेंथ ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, देन देयर रेजिस्टेंसेस आर ए आर बी आर इन द रेशियो. दो वायर्स हैं ए और बी जिनके मटेरियल सेम है, मतलब रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी. हमको उनके रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करना है. लेंथ के बीच रिलेशन दे रखा है और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच में भी रिलेशन दे रखा है. क्या होता है फॉर्मूला आर का, रेजिस्टेंस का, रो एल बाई ए. सर्कुलर है क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहां बात रेडियस की हो रही है. अब रो और पाई तो कांस्टेंट होंगे, यानी आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन आर स्क्वायर. हम क्या लिखेंगे, आर ए बाई आर बी. लेंथ के बीच कैसा रिलेशन है वो हमको दिया हुआ है. यहां डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसलिए क्या लिखेंगे, एल ए बाई एल बी. और रेडियस स्क्वायर से इनवर्स प्रोपोर्शन है इसलिए आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर. अब बस यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. लेंथ के बीच में क्या रिलेशन दिया है, लेंथ ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ए, यानी एल बी टू एल होगा यदि एल ए एल हो. लेंथ बी की ट्वाइस है. रेडियस के बारे में क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए इज ट्वाइस, ये डबल है तो इसको 2r लिख लेंगे. जब ये r होगा कि r स्क्वायर और यहां 2r यदि पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर. l से l, r स्क्वायर से ये कैंसिल, तो ये हुआ 1 बाई 8 आर ए अपॉन आर बी. आर ए अपॉन आर बी इज 1:8 और वो ही हमसे पूछा हुआ है आंसर, c इज करेक्ट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट i एंड वोल्टेज v प्लॉट ऑफ अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज गिवन अबव. The device is semiconductor, conductor which obeys Ohm's law, superconductor, insulator. तो पहले Ohm's law की बात करते हैं. हम बार बार पढ़ रहे हैं Ohm's law. क्या है Ohm's law? तो R बराबर होता है V by I. ये resistance की definition. और Ohm's law कहता है कि यदि mechanical strain का मतलब क्या है? किसी conductor को खींचना या दबाना नहीं है. Strain का मतलब उसकी length को change नहीं करना है. मैकेनिकल स्ट्रेन, टेम्परेचर, ऐसी कुछ क्वांटिटीज, फिजिकल कंडीशंस यदि कांस्टेंट होती हैं तब आर कांस्टेंट होता है. दिस इज ओम्स लॉ. फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट, देन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑल्सो कांस्टेंट, यानी आई प्रोपोर्शनल टू वी. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वोल्टेज यदि डबल कर देंगे तो आई भी डबल हो जाएगा. वी हाफ कर दें तो आई भी हाफ हो जाएगा. मतलब करंट वोल्टेज के साथ लीनियरली वेरी करता है. ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं उनको लीनियर डिवाइसेस या फिर ओमिक डिवाइसेस कहते हैं, जिस लॉ को ओबे करते हैं, ओमिक डिवाइसेस. मैथमेटिकली बात करें तो यदि आई और वी के बीच में प्लॉट किया हुआ ग्राफ, आई वर्सेस वी, ये ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन आता है तो हम कहेंगे कि वो डिवाइस कैसी है, ओमिक डिवाइस. तो कंडक्टर्स ये ओमिक डिवाइसेस होते हैं और इसीलिए यहां वी और आई के बीच में प्लॉट किया हुआ ग्राफ स्ट्रेट लाइन है. एक बात और ध्यान रखें कि ये जो है स्लोप, ये स्लोप कैसा है, तो इस ग्राफ पर ध्यान देंगे आप तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी या आई बाई वी, ये इस ग्राफ का स्लोप होगा. तो स्लोप क्या बताएगा हमको, वी बाई आई होता है आर के बराबर, यानी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ही कंडक्टेंस. तो क्या याद रखेंगे कि यदि किसी डिवाइस के लिए V और I के बीच में प्लॉट किया हुआ ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो उसे कहते हैं ओमिक रेजिस्टर या ओमिक डिवाइस, और स्लोप इस ग्राफ का कंडक्टेंस बताता है. एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, कभी कभी यहां V और यहां I लिख देते हैं तब स्लोप क्या होगा, तो स्लोप हो जाएगा आर के बराबर. पर जनरली वी इज प्लॉटेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड करंट अलॉन्ग वाई एक्सिस. और ये भी ध्यान दें कि ये थीटा कांस्टेंट है. तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोल रहे हैं कि ऐसा यदि कोई ग्राफ मिलता है किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए तो क्या वो सेमीकंडक्टर होगा, नहीं, सेमीकंडक्टर इज नॉन ओमिक. सुपरकंडक्टर, इंसुलेटर भी नॉन ओमिक होते हैं, मतलब ये कोई कंडक्टर है जिसके लिए ग्राफ खींचा हुआ है, कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग द करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, does not change, increase instantaneously, varies continuously. तो पहले यह समझना पड़ेगा कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है. तो
मैं सपोज कर रहा हूं एक बल्ब, आपको पता होगा कि बल्ब मतलब एक रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टर है, और इसके साथ हमने एक सेल या कोई ईएमएफ का सोर्स कनेक्ट कर रखा है। तो ये सिंपलेस्ट सर्किट है, एक रेजिस्टेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही सर्किट क्लोज करेंगे इस बल्ब के थ्रू करंट फ्लो होने लगेगा। अब शॉर्ट सर्किटिंग मतलब, शॉर्ट सर्किट के लिए याद रखें, कंप्लीट सर्किट नो रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस किसी सर्किट का जब जीरो हो जाता है तो उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। अब इस सर्किट में यदि मैं इस बल्ब के साथ पैरेलल में एक कंडक्टर कनेक्ट कर दूं, जैसे ये स्विच हम क्लोज करेंगे तो यहां से करंट आएगा और इस पर ये जंक्शन हो गया, जंक्शन पर आकर ये डिवाइड होगा। ये कंडक्टर है मतलब इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, से जीरो, बहुत कम है रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस है आर। तो ये करंट जो ड्रॉ होगा इस बैटरी से वो इस जंक्शन पर आकर डिवाइड होगा। ये दोनों पैरेलल में आ गए हैं, ये रेजिस्टर है और ये कंडक्टर है, और आपको मालूम है कि पैरेलल में करंट्स रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में डिवाइड होते हैं। तो होगा क्या, ये करंट जब आएगा तो बहुत सारा करंट इधर से फ्लो हो जाएगा, से 99% इधर से चला गया और इसमें केवल 1% करंट जाएगा। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, तो कहते ही हैं कि बल्ब शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब इसके साथ पैरेलल में यदि कोई कंडक्टर आ गया तो ये करंट इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस में डिवाइड होगा। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसमें ह्यूज वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होगा, यानी बायपास हो जाएगा करंट, तब हम बोलेंगे बल्ब शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोला हमसे, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग द करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो सर्किट में पहले कितना करंट फ्लो हो रहा था, वो हो रहा था आई इस बल्ब से। जैसे ही हमने इसे शॉर्ट सर्किट किया तो क्या हुआ, वो करंट कैसा हो गया, सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गया, मतलब इधर से गया केवल 1% ऑफ आई और इधर से चला गया 99% ऑफ आई। तो सर्किट का करंट तो क्या हो गया है, कम हो गया है। हमसे सर्किट के करंट के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा रिड्यूसेस सब्सटेंशियली। गलती से ये आंसर नहीं करेंगे, इंक्रीजेस इंस्टेंटेनियसली। वो करंट इंक्रीज तो इसमें हुआ है कंडक्टर के थ्रू, सर्किट का जो करंट है मतलब इस बल्ब से फ्लो होने वाला करंट तो रिड्यूस हो जाता है सब्सटेंशियली। तो इसका आंसर होगा ए। तो साथ में आपने ये भी समझ लिया होगा, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। और शॉर्ट सर्किटिंग से नुकसान क्या होता है, तो बहुत सारा करंट क्योंकि बह रहा है यहां से तो फायर का खतरा रहता है, इसीलिए जनरली आप सुनते हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, वो इसीलिए क्योंकि इस कंडक्टर से बहुत सारा करंट फ्लो होगा। और बहुत सारा करंट फ्लो होगा, आप जैसे घर में ऐसा हो जाए कभी कहीं शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए तो पूरे घर में जो करंट फ्लो हो रहा था उसका बहुत सारा हिस्सा, बहुत सारा पार्ट उस कंडक्टर से होकर फ्लो होगा, तो फायर का खतरा हो सकता है, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सेमी कंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट विद अ बैटरी एंड अ रेजिस्टेंस, करंट इज फाउंड टू पास थ्रू द सर्किट, इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स्ड देन द करंट ड्रॉप्स टू जीरो, डिवाइस मे बी। फिर क्वेश्चन वैसे सेमी कंडक्टर डिवाइसेस से है, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम देखेंगे कि सर्किट्स में कई बार डायोड्स या ट्रांजिस्टर्स लगे हुए रहते हैं, तो यहां बात डायोड की हो रही है। एक्चुअली मैं आपको याद दिलाऊं तो पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल इस तरह का होता है, जिसमें ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये होता है पी, और ये जो बार होता है ये है एन। ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। और जब जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस होने का मतलब क्या है, जब P को हायर पोटेंशियल पर और N को लोअर पोटेंशियल पर रखते हैं तब जंक्शन डायोड को कहते हैं फॉरवर्ड बायस, और जब वो फॉरवर्ड बायस होता है तो कंडक्ट करता है, मतलब करंट उससे पास हो सकता है। पर यदि पीएन जंक्शन डायोड को हम रिवर्स बायस रखेंगे, मतलब इसे लोअर पोटेंशियल पर P को और N को हायर पोटेंशियल पर, तब वो रिवर्स बायस्ड होगा, करंट इज Not allowed to flow through the junction diode. तो यह है forward biased और यह है reverse biased. Question में भी हमसे बोला हुआ है कि एक semiconductor device है और वो device कौन सी है वही हमें पता करना है। तो एक semiconductor device है
जिसको सीरीज में कनेक्ट किया है बैटरी और रेजिस्टेंस के साथ में. करंट इज फाउंड टू पास थ्रू द सर्किट. तो कहने का मतलब ये हो गया कि वो जंक्शन डायोड है और करंट को अलाउ कर रहा है. इसका मतलब उसे हमने रखा होगा फॉरवर्ड बायस्ड. फॉरवर्ड बायस रखा हुआ है तो करंट इज अलाउड टू फ्लो. और फिर बोला है इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स्ड, मतलब यदि अब पोलैरिटी बदल दें, मतलब ऐसा हो जाए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और तब क्या होगा, तब साफ तौर पर ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड. अभी ये था फॉरवर्ड बायस, करंट अलाउ हुआ, फ्लो हुआ, और रिवर्स बायस होने पर करंट इज नॉट अलाउड टू फ्लो. इसका मतलब ये डिवाइस कौन सी है, तो ये जंक्शन डायोड है. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर नहीं, एन टाइप सेमीकंडक्टर नहीं, इंट्रिंसिक भी नहीं, पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल किया गया होगा. सो आंसर डी इज करेक्ट. तो क्या ध्यान रखेंगे कि जब ये फॉरवर्ड बायस होता है पीएन जंक्शन डायोड, तब इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, तब रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, करंट फ्लो होता है. और रिवर्स बायस होने में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए करंट नहीं फ्लो होता. तो रिवर्स बायस में अलाउ नहीं करेगा करंट को, और फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो को अलाउ करेगा.